कोर कमांडर्स का अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन पर बिलाजवाज तनकीद पर इजहार तशवीश। ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। सियासी अजायम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार। मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क्या सरायों पर फोरम को तशवीश। शुरका ने कहा डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना किरदार अदा करती रहेगी। फोरम की सरमायाकारों का अहतमाद बहाल करने और हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद और तावुन का अयादा। फोरम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर, इलाकाई अमनो सलामती के फरोग के लिए अज़्म का अयादा। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर और फलस्तीन के आवाम के साथ इजहार यकजहती। बर्फ पिघलने लगी, बानी पीटीआई का हुकूमती एपीसी में शिरकत का ऐलान। पार्टी रहनुमा अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना है सिर्फ पाकिस्तान की खातिर एपीसी में बैठेंगे। पार्टी अरकान हुकूमती मौकिफ सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मसीद बोले अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने तक टीटीपी से नहीं जीत सकते। आप ऑपरेशन करेंगे, तालिबान भागकर अफगानिस्तान चले जाएंगे। अफगान तावुन के बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद, भूख हड़ताल की धमकी। अपने मुकदमात में चीफ जस्टिस की मौजूदगी पर एतराज। गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद बोले पीटीआई और मेरे केसेस के हर बेंच में चीफ जस्टिस कैसे आ जाते, हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराया इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा। फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। मजीद कहा जेल में नारवा सलूक किया जा रहा, टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान पहले हाइब्रिड था, अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। मुशावरत कर रहा हूँ, भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूँगा। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक एपीसी भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। पीपल्स पार्टी ज़रूर उस एपीसी में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी जो हमारा मौका रखेंगे। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम पर एपीसी में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं एपीसी में शिरकत करेंगे लेकिन बलोचिस्तान का मसला उठाया जाएगा। दहशतगर्दी से मुतालिक हमारी पॉलिसी फासे है। मजीद बोले बजट के लिए मुशावरत होती तो मजीद तजावीज देते। टैक्सों पर एतराज नहीं लेकिन करीब पर नहीं लगने चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक बोले हमेशा इस्लाहात, शफाफ इलेक्शन की बात की। मुखालफीन जीते या हारे उन्होंने रोना ही है। लाड़काना में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती, पूछे तो बिजली चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। उधर बिलावल भुट्टो ने कोयटा में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के सहराने में शिरकत। मुख्तलिफ जमातों के अरकान असेंबली कारोबारी वफूद से मुलाकातें। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। एपीसी बुलाने के हवाले से मशावरत जारी है और तमाम सियासी जमातों को इसमें बुलाया जाएगा। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन पीटीआई की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अजम इस्तेहकाम का, तो इस पर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है, मशावरत हो रही है। अल्लाह करे बानी एपीसी में शिरकत के फैसले पर कायम रहें। अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मशावरत जारी है। वज़ीर इत्तला'आत अतातारण की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले 45 लाख अफराद टैक्स अदा नहीं करते। एफबीआर डिजिटाइजेशन के दौरान निशानदही हुई, बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म के दौरे काजिकिस्तान के मुस्बत नतायज सामने आएंगे। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए बड़ा इकदाम। शहबाज शरीफ ने रिफाइनरी पॉलिसी 2023 में 6 बाह की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का अजलास। ऑयल रिफाइनरीज के अपग्रेडेशन के लिए जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत।
छोटे आबी पॉलिसियों के लिए पावर पॉलिसी 2015 के तहत मंजूरी। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत FBR में असलाहत के लिए जायजा इजलास। शहबाज शरीफ के कहना है टैक्स इस्तेदाद रखने वालों को फौरी टैक्स नेट पे लाया जाए, टैक्स चोरी में मुलव्वस अफसर अहलकारों को सजा मिलेगी। सर कीर स्टारमर बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। सरबरा लेबर पार्टी के बरतानवी बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। सरकारी रिहायशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर वालेहाना इस्तकबाल। नामजद बरतानवी वजीर आजम का भारी मैंडेट मिलने पर आवाम से इजहार तशक्कुर। खिताब करते बोले आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया, बड़े मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिली, वोट ना देने वालों की भी खिदमत करेंगे। दूसरी तरफ नौ मुंतखब वजीर आजम आते ही इन एक्शन काबीना रकीन भी मुंतखब कर लिए। एंजेलिना रैनर नायब वजीर आजम, रेचल रीव्स पहली खातून वजीर खजाना मुंतखब, डेविड लैमी वजीर खारजा, विट कूपर वजीर दाखिला, जॉन हेली वजीर दिफा होंगे, जबकि वेस्ट ट्रेटिंग को वजीर सेहत, पाकिस्तानी निजात शुबाना महमूद को वजीर कानून, ब्रिजिट फिलिप्स को वजीर तालीम चुन लिया। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक्तदार का सूरज गुरूब। बरतानवी अवाम ने लेबर पार्टी की तारीखी फतह दिला दी। दारुल अवाम के 650 में से 648 सीटों के नतायज सामने। लेबर पार्टी ने 411 नशस्तें हासिल की, कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटें जीत सकी। उधर ऋषि सोनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मीडिया टॉक में बोले तस्लीम करता हूँ, हम डिलीवर नहीं कर पाए। बरतानवी अवाम ने वोट के जरिए गुस्से का इजहार किया। बरतानिया के नए वजीर खारजा ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक डेविड लामी ने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात बहाल करने का वादा किया। मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट की बंदिश का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। तर्जमान वज़ारत दाखला का कहना है सूबों की तरफ से दरख्वास्त पर अभी कोई फैसला नहीं किया, अभी किसी सूबे की दरख्वास्त मंजूर की ना ही मुस्तरद। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 3.32 रुपये फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, इतलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ 1.67 रुपये फी यूनिट सस्ता। पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फ्री सोलर सिस्टम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमत 25% अदायगी करेगी। 75% रकम सार्फिन से बिला सूद आसान एक साथ में वसूल की जाएगी। उधर वसरला पंजाब का लाहौर के नवाही इलाकों लिबर्टी, बेन मार्केट, मिनी मार्केट में ट्राम चलाने का ऐलान। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त तलब। तहरीक इंसाफ का मनसहरा में पावर शो। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। कहा आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे, किसी को जरूरत ना होगी कि आइंदा आइन तोड़े। अदालतों से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए, चीफ जस्टिस इंसाफ नहीं दे सकते तो तहरीक इंसाफ के केसेस से खुद को अलग कर लें। बानी PTI के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लेंगे। परवेज खट्टक को धमकी लगा दी, कहा बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो KP में रहने नहीं देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले साजिशों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आई, हुकूमत ने बिजली के नर्ख में बदतरीन इजाफा किया, महंगाई ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। असद कैसर का कहना है बिजली महंगी करने के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले बानी PTI की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में बाहर निकलेंगे। मलके कोहसार, मरी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। गुजरात, ननकाना, उकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन में आंधी के साथ बारिश। शेखपुरा, पत्तोकी और कसूर में भी रिमझिम होती रही। फैसलाबाद में घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जा भाग, खातून जख्मी। मरी में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब। गलियात की वादियां काले बादलों की लपेट में आ गईं। पत्रियाटा, अयूबिया, नथिया गली में सयाहों का तांता बंध गया।
उधर इतवार तक तेज बारिशों के स्पेल की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में शदीद बारिश मुतवक्के। कराची में 8 जुलाई को आंधी और बारिश बरसने की पेशगोई। आवाम को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। हाफिज नईम ने एहतजाजी तहरीक के लिए ताजरों की हिमायत मांग ली। कहते हैं महंगी बिजली, महंगाई, टैक्सेस के खिलाफ धरना देंगे। धरने से कबल शटर डाउन हड़ताल होगी। माशी फैसलों के लिए हुकूमत के पास आवामी हिमायत नहीं। टैक्सेस के खिलाफ तनख्वाहदार तबका सड़कों पर निकला है। इस्लाम आबाद के ब्लू एरिया में एहतजाजी मुजाहरा, खातिन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहरीन की हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शरका का कहना है हुकूमत गलीब मुलाजमीन से जीतने का हक छीन रही है। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्रा मकामात पर होंगे। पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के तलबा का कारनामा, मुनफरिद इलेक्ट्रिक कार आज़ाद तैयार कर ली। एक चार्ज पर 200 किलोमीटर फासला करेगी। कॉलेज इंतजामिया का कहना है पाकिस्तानी कार फिलिपाइन में कई ममालिक के मुकाबले बेहतरीन कार का एजाज अपने नाम कर चुकी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान आएंगी। पीसीबी ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल सीरीज के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। सैफरी की वनडे सीरीज फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। भारतीय ताजिर मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग तकरीबात। गुलकार जस्टिन बीबर ने मुआवजे में रिहाना को पीछे छोड़ दिया। कैनेडियन सिंगर 83 करोड़ भारतीय रुपए वसूल करेंगे। पाकिस्तानी रुपए में 2 अरब 76 करोड़ 88 लाख की रकम बनती है।